आज 4 जनवरी हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था। कुछ एरिया में फॉग सैलोटो मॉडरेट हुआ है। ओंगोल, कोटोक, कंधमाल, मनकनगिरी, नोएगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिनिमम टेम्परेचर इंटीरियर उड़ीसा में एक दो जगह करके थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में ही स्वाभाविक से मिनिमम टेम्परेचर से थोड़ा सा हायर साइड है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्ट ऑफ द जगह में स्वाभाविक के आसपास है। भुवनेश्वर सिटी में लास्ट 24 आवर्स आज 12.9 था, वो स्वाभाविक से 1.6 डिग्री कम है। बाकी कोस्टल एरिया में नॉर्मल स्वाभाविक के आसपास ही है, और सबसे मिनिमम टेम्परेचर प्लेन एरिया में सबसे कम हुआ है। भवानीपटना 11.6 डिग्री, और हिली एरिया पकड़ने से सबसे कम हुआ है कोरापुट में हमारा 9.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है, अगला 5 दिन ही उड़ीसा में सभी जिला में ड्राई वेदर रहेगा, और सैलोटो मॉडरेट फॉग, डेंस फॉग भी एक दो जगह में हो सकता है। मेनली कोटक, जगत सिंहपुर, भद्रक, खुर्दा, बौद्ध, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह के डेंस फॉग होने का चांसेस है। केंद्रपुरा, जाजपुर, पुरी, नोएगढ़, कंधमाल, कोरापुट, मलकानगिरी, इसमें हल्का से सैलोटो मॉडरेट फॉग होने का चांसेस है। अभी अगला 3 दिन ही फॉग का कंडीशन रहेगा, जो मेनली कोस्टल एंड एडजॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट में, और मिनिमम टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर अगला 3 दिन में इंक्रीज होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में कल सुबह मेनली क्लियर स्काई रहेगा, कल सुबह शैलो फॉग होने का चांसेस है, और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास होने का चांसेस है।